लेकिन वो पेटी वहाँ पर सड़ रही है, मार्केट तक पहुँचाने का इंतजाम जो है वो होना था, क्योंकि सड़कें बंद पड़ी हैं इसलिए वो मार्केट में नहीं। एक सेब वाले का वही एक जरिया होता है एक साल की कमाई का, पूरे परिवार की रोटी रोजी का। तो ऐसे में हमने कहा कि एक एक मशीन आप लगा करके एक सड़क पर 50 किलोमीटर की सड़क पर एक मशीन लगा के रखी है और 20 जगह से वो सड़क टूटी हुई है, ऐसे नहीं चल सकता। युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा काम, 5 मशीनें, 8 मशीनें, 10 मशीनें लगानी पड़ेगी वहाँ पर, मशीनों की कमी थोड़ी है। ये स्थिति बहुत अलग तरह की स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है। और मैं अपने क्षेत्र में देख रहा था, मैं अभी हाल ही में टूर करके मैं वहाँ पर गया, ये पहली बार मेरा भी, मैं 26 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूँ और लंबे समय से अपने जीवन में पहली बार देखा मैंने गाँव में लोग आकर के ये कह रहे हैं कि राशन खत्म हो गया। और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुझे आखिरकार मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ी, डिफेंस मिनिस्टर से दिल्ली बात करनी पड़ी, होम मिनिस्टर से बात करनी पड़ी, तब जाकर के हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयर ड्रॉप करके जो है वहाँ खाना पहुँचाया जा रहा है, राशन पहुँचाया। ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ, हिमाचल ने कभी राशन नहीं मांगा। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मजदूरी करके कमाता था, लेकिन ये पहली बार, क्योंकि रास्ते बंद हैं और बरसात के मौसम में लोग बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खराब होता है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आने को पहले आपकी सरकार ने पंजाब का दर्जा दिया था, तो लोगों की आज के महत्व नहीं इन सारी चीज़ों के, इन चीज़ों को बाद में।